मैनपुरी में उपचुनाव को कुछ दिन बचे हुए हैं और ऐसी सूरत में तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुषमा पटेल जी हैं जो है वो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, विधायक हैं और ये प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह से जौनपुर से तूफानी सरोज जी हैं, ये भी चुनाव प्रचार में जो है वो निकले हुए हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड बहुत अच्छा है, जनता डिंपल जी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जो है जवाब देगा कि अब गफलत की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी गांव में जो है चावल और गेहूं बांट करके लोगों को गुमराह किया है जो है कि मोदी जी रहेंगे तभी मिलेगा नहीं मिलेगा, अब जनता समझ गई है। ये खाद्यान्न योजना जो है बहुत पहले की योजना है, राजीव गांधी के ज़माने से चल रही जो है, वो योजना जो भी सरकार आएगी वो योजना का लाभ देगी जो है। हम सब लोग इनकी गफलत की नींद को पर्दाफाश करने के लिए यहाँ जुट हैं और डिंपल जी भारी बहुमत से मैनपुरी चुनाव जीत रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लेकिन तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मैनपुरी की जमीन भी समाजवादी पार्टी के नीचे से खिसक चुकी है। नहीं नहीं, ये जो भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर से हवा हवाई सर्वे कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, मैनपुरी माननीय नेताजी का क्षेत्र रहा है, ये उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है और यहाँ के लोगों का नेताजी से भावनात्मक जुड़ाव है, लगाव उनसे है और उनके वारिश के रूप में उनकी आज इस मैनपुरी की बहू इस चुनाव में है। मैं तो यहाँ पे 6 दिन से हूँ, मैं देख रही हूँ कि नेताजी की तरह ही इस चुनाव में भी सारी सीमाएं टूट गई हैं। हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का सहयोग और समर्थन श्रीमती डिंपल यादव जी को मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आने वाली 5 तारीख को यहाँ की जनता अपना वोट देकर माननीय नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और श्रीमती डिंपल यादव जी को भारी वोटों से चुनाव जिताकर यहाँ से भेजेगी। आरोप बड़े नेताओं का है समाजवादी पार्टी के कि SP और DM दखल अंदाजी कर रहे हैं इस चुनाव में, क्या महसूस किया आप लोगों ने यहाँ पे घर घर जाकर? देखिए, प्रशासन का तो दबाव है लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ की जनता, मैनपुरी की जनता पूरी तरह से मन बना रखी है कि श्रीमती डिंपल यादव जी को अपना आशीर्वाद देगी, अपना वोट देगी और वो जिताएगी। सरोज साहब, जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, जैसे कल मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंडुलम हो गए हैं शिवपाल यादव, कभी इधर तो कभी उधर, फुटबॉल भी संज्ञा दी और कहा कि सबसे ज़्यादा तो लूट आप लोगों की सरकार में हुई है, ये सब आरोप गलत है। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ये ढोंगी बाबा हैं।